फीलिंग्स आर एंसर्ड। मैंने सोचा क्यों ना आज फिर एक वीडियो पे अपनी वॉइस ओवर डाल ली जाए, और मैंने सोचा कि टिशू के फूल बना लिए जाएं। मेरे पास एक बोतल थी, उसको मैंने कलर किया था, पेंट किया था शॉपर की मदद से। शॉपर पे घेरा लगा के ऊपर पेंट लगा के उसको यूं करके मैंने फ्लावर से बनाए थे। और मैंने कहा चलें टिशू के फूल सबको बनाने आते हैं, फिर उसको डेकोरेट किया कर दिया जाए, इसके अंदर डालने के लिए एक फ्लावर होल्डर बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टिशू, उसके बाद एक वायर थी जो मेरे भाई के ड्रॉ से मुझे मिली थी, एक स्टेपलर और एक सीजर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने टिशू लिया, उसको हमने बीच में से मतलब दो छोटे फूल बनाने हैं, दो हिस्से कर लेते हैं। मैंने कटर यूज़ किया, कटर से आप देख रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, सो मैंने इसको सीज़र से काटना चाहा, लेकिन क्या करके मैंने कहा शायद आसानी से काट दिया, लेकिन मेरी सीज़र ही शायद ख़राब हुई पड़ी थी और वो इसे नहीं काट रहा था। तो फिर मैंने अपने हाथों की मदद से इसे फाड़ना कह लें या वो किया, और फिर ये जिस तरह हो गया। इसके बाद फिर मैंने इसको इनको रखा और दरमियान से भी मैंने इसको काटा फाड़ा, जो भी आप लोग कह सकते हैं। ये दो टिशू मींस चार तय हैं इनकी बनती हैं, क्योंकि एक टिशू डबल होता है। इसको हम चाइनीज़ फैन की तरह बना ट्विस्ट कर लेंगे इस पर, में जैसे हम कागज़ के पंखे बनाते थे स्कूल में, तो मुझे तो खुद अब पता चला कि चाइनीज़ फैन कहते हैं। इसको स्टेप का स्टेप कभी मत करें, जैसे इसकी तह है इसको बिल्कुल वैसे स्टेप करें, ऐसे स्टेप करने से ख़राब हो जाता है, मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। ये बहुत इजी होता है, सबके लिए इजी होता है, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो और ऐड कर दी जाए अपने पेज पे, अपने चैनल पे ये वाली वीडियो डालकर। जब आप मेरी ड्राइंग पेंटिंग और वीडियोस देखते रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ आज DIY किया जाए। इस तरह से हमने 6 बनाए थे शायद, हाँ 6 फूल एक्स्ट्रा बना लिए थे मैंने। अब ये वायर ले लेनी है, इसको मैंने पहले काट लिया था और इसके ऊपर ही उसको ट्विस्ट करना है, लपेटना है, फोल्ड करना है, जो भी कह लें। बाकी साई इसी की मदद से मतलब फोल्ड किया और उसी साई से मैं सीज़र से काटती गई। तो ये ऐसे 6 बन गए थे, तो अब इन्हें खोलते हैं। ये खोलना बहुत मुश्किल होता है। खैर एक पहले मैंने ये शॉपर के बनाए थे वहाँ से काफ़ी अर्सा पहले, उनको खोलना आसान होता है, क्योंकि उनको खोलना इसलिए आसान होता है क्योंकि उनका फटने का ख़तरा नहीं होता, और इनको थोड़ा सा करो तो टिशू फट जाता है। अगर डबल हो तो नहीं फटेगा, डबल हो तो मजबूत होगा, सिंगल है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बारीक हो जाएगा और बारीक चीज़ को टच करना या उसको ज़ोर से खींचना उसका जुल्म ही होता है, मतलब उसको तोड़ना, उसको ख़राब करना। ये मुझे कुछ सही नहीं हो रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको ऐसे स्टेप कभी मत करें, मुझसे गलत स्टेप हुआ था जो बिल्कुल जुड़ने का नाम ही ले रहा था, साथ नहीं हो रहे थे।
मैंने कुछ खींच खींच के कुछ गुजारा कर ही लिया था। ये हमारी नेशनल कैंची, हर घर की ज़रूरत। कहते हैं ना इसे खाली चलने से लड़ाई होती है, तो मैंने कहा क्यों ना इसे आज वैसे ही इस्तेमाल कर लिया जाए, टिश्यू पे खाली चलाने से बेहतर है। तो ये ट्रिम करना कह लें या कुछ, ये लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। मैं फुल दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं नज़र आ रहा था। आपको पहले टिश्यू पे स्प्रे करना है पानी से उसके सेंटर में, और फिर आपको मार्कर अपना फेवरेट कलर ले लेना है। मेरा तो येलो कलर है तो सो मैंने येलो ही लगाना मुनासिब समझा, येलो एंड ब्लू। तो स्प्रे किया ऊपर लगे से वो फैल जाता है। और फिर मेरे पास ये पर्ल पड़े थे और सारे, सो मैंने इसको बोतल के अंदर डाले और यूँ पूल बीच में डाल दी। खैर मैं सेटिस्फाई नहीं थी, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स थोड़े इसमें लगाया और इसको यूँ कर दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।